आईआरसीटीसी ने घोषणा की है कि 14 फरवरी से सभी ट्रेनों में पका हुआ खाना मिलेगा। तो ये एक बड़ी घोषणा है, क्योंकि लंबे समय से इस तरीके का भोजन बंद कर दिया गया था। तमाम लोगों की शिकायत थी कि जिस तरीके का भोजन होना चाहिए वो भोजन नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि आने वाले समय में जो ट्रेन का जो खाना है वो मिलेगा। और इसके लिए बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो कोविड लॉकडाउन के बाद जो प्रतिबंधों में ढील दी गई है, उसकी वजह से आईआरसीटीसी ने ट्रेनों में पके हुए भोजन सेवाओं को पुनः शुरू कर दिया है। यानी आपको शताब्दी, राजधानी, इन सारी ट्रेनों में अब पका हुआ खाना मिलेगा। पहले क्या हो रहा था, पैकेज्ड फूड मिलता था, यानी पहले से जो यानी बंद डब्बों में जो फूड होता था वो आपको दिया जाता था। अब पेंट्रीज भी काम करना शुरू कर देंगे, यानी 100% जो ट्रेनें हैं उन सब में हम कह सकते हैं कि अब आपको पका हुआ खाना मिलेगा। यानी तमाम ट्रेनें, चाहे लंबी दूरी की हों या दूसरी ट्रेनें हैं या प्रीमियम ट्रेनें हैं, उन सब में हम कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव है। और लोगों को जो सबसे बड़ी परेशानी होती थी वो यही होती थी कि उनको जो पका हुआ खाना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ये स्थिति बदल गई है और आईआरसीटीसी ने इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जो 428 ट्रेनों में पके हुए भोजन को जो है बहाल किया जा चुका है। यानी हम साथ ही साथ यहाँ जो एक और बड़ी बात कही है, 21 दिसंबर से 30% और 22 जनवरी तक ये कहा जा रहा है कि 80% ट्रेनों में जो पका हुआ खाना है उसको बहाल कर दिया गया है। यानी 14 फरवरी तक हम कह सकते हैं देश की ज़्यादातर ट्रेनों में, यानी सारी ट्रेनों में जिनमें भोजन मिलता है वहाँ पर पका हुआ खाना मिलेगा। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, दिल्ली।